نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ महीनों को कुछ महीनों पर, कुछ दिनों को कुछ दिनों पर और कुछ रातों को बाकी रातों पर बुजुर्गी और बढ़तरी अता फरमाई। जैसा हम देखते हैं कि रमजान का महीना तमाम महीनों पर अफजल है, इसी तरह उर्फा का दिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा अफजल और बाबरकत है। शबे कदर आम रातों में सबसे ज्यादा फजीलत और बाबरकत वाली रात है। इसी तरह अशरों में रमजान का आखिरी अशरा और ज़िलहज का ये पहला अशरा बहुत ही बाबरकत है। असल में ज़िलहज का ये अशरा इस मुबारक महीने में हज और कुर्बानी जैसे दो अजीम अमल इकट्ठे हो गए और अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमाया, वल फज्र वल लयालिन अश्र वश्शफ़ वल वत्र। बहुत से मुफसरीन इस आयत में ज़िलहज के दिन मुराद लेते हैं, ताक से मुराद 9 ज़िलहज का दिन और जुब से मुराद 10 ज़िलहज का दिन। इमाम इब्ने तैमिया से पूछा किसी ने कि रमजान के दिनों की बड़ी फजीलत है, लैलतुल कदर भी उसमें शामिल है, तो क्या ये दिन ज्यादा अफजल है या रमजान का आखिरी अशरा? उन्होंने फरमाया कि दिनों के एतबार से ज़िलहज के पहले 10 दिन अफजल हैं और रातों के एतबार से रमजान के आखिरी अशरे की रातें अफजल हैं। सुभान अल्लाह। मैं और आप अंदाजा लगा लें कि हम कितने फजीलत वाले दिनों में दाखिल हो रहे हैं। इस 10 दिन में किए जाने वाले अमाल बाकी दिनों के निस्बत अल्लाह को बहुत महबूब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 दिनों में किए गए अमाल सालिहा अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है। सहाबा ने अर्ज किया, क्या अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद से भी ज्यादा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज्यादा, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल को लेकर निकले और किसी चीज को वापस लेकर ना आए। सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहज के पहले 10 दिनों में अमाले सालिया करने की तरगीब दिलाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 दिनों से बढ़कर सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह ताला को कोई और दिन नहीं है, लिहाजा तुम इन दिनों में कसरत से तस्बीह तहमीद और तहलील करो। मतलब ये कि अल्लाह ताला का जिक्र को बुलंद करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह कहना। हजरत आयशा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला योमे उर्फा से ज्यादा किसी दिन बंदों को दोजख से आजाद नहीं करता, जितना अल्लाह इस दिन अपने बंदों के करीब होता है और फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र करता है। सुभान अल्लाह। उर्फा के दिन की फजीलत, जाहिर है हाजियों के लिए तो तमाम अयाम ये वाले बहुत बेहतरीन और अफजल हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने गैर हाजियों के लिए भी अजर का कोई मौका नहीं जाने दिया। वो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहे, तोबा कर रहे, अल्लाह के आगे अपने आजजी और गिरियाजारी कर रहे होते हैं। अल्लाह की खास रहमत उन हाजियों पर होती है, तो गैर हाजी जो है वो भी
रखकर और अल्लाह की जो तहमीद तहलील और ये अल्लाह का जिक्र बुलंद कर उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो वो अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, तो वो अपनी रहमत उन पर भी कर देता है। योमी अरफा के रोज के रोजे की भी बहुत फजीलत आती है। हजरत अबू कतादा से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की जात पर पुख्ता यकीन है कि अल्लाह सुबहानहु ताला योमे अरफा नौजिल हज के रोजे के बदले गुज़िश्ता साल और आइंदा साल के गुनाह माफ फरमा देगा। सुबहान अल्लाह, रोजे की तो वैसे ही बहुत फजीलत आती है ना। फरमान है इब्ने आदम के सारे अमाल उसके अपने लिए ना, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जो खास मेरे लिए होती है और उसका अजर और सवाब भी मैं खुद दूंगा। तो उर्फा के दिन का रोजा, तो इस दिन के रोजे का जरूर एहतमाम किया जाए। ये उस दिन रोजा होता है जिस दिन लोग अराफात में इकट्ठे होते हैं, अल्लाह के आगे गरियाजारी कर रहे होते हैं। नौजिलहज का रोजा है, तो वैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में ही रोजे रख लिया करते थे। यकम जिलहज से लेकर 9 जिलहज तक गैर हाजी जो है वो रोजा रख सकते हैं। कि जब इतनी फजीलत आई है तो हमारे अगर कोई कजा रोजे रहते हैं तो हम उनको पूरा कर लें पहले, ठीक है, और उसके अलावा नफली रोजे रख सकते हैं। तो हम रोजों का जरूर एहतमाम करें इन 10 दिन के अंदर। इसी तरह इस महीने के 10वें दिन को योमुन नहर कहा जाता है, कुर्बानी का दिन। जानवर के गले में छुरी फेरने का दिन ही नहीं है ये सिर्फ, बल्कि अपनी अना, अपनी ख्वाहिश, अपने रस्म और रवाज पर छुरी फेरने का दिन है ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं। हर मोहब्बत से बढ़कर उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की, औलाद की मोहब्बत से भी बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत की। हालांकि इस औलाद के पीछे इंसान हलाल हराम की तमीज खो देता है, इसके पीछे और बहुत से काम जो अल्लाह के नापसंदीदा होते हैं मोहब्बत में आके कर गुजरता है, लेकिन जब अल्लाह से मोहब्बत होगी तो इंसान अल्लाह का हुक्म मानने में किसी चीज को आड़े नहीं आने देगा। उसके बाद ये दिन अगर इतनी फजीलत वाले दिन है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी तरगीब दी और सहाबा इकराम भी जिक्र अस्कार जो था वो बहुत ज्यादा किया करते थे, तकबीरात को बुलंद किया जाता था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सहाबा इकराम ऊंची आवाज में तकबीरात को बुलंद करते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है। सिर्फ जबान से जिक्र अस्कार ना हो, खाली खुली तो जिक्र नहीं, बल्कि हमें इन तमाम इबादात को शऊर के साथ, समझ के साथ अदा करना होगा। जैसे कि तकबीरात का मतलब जानकर कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की मोहब्बत सबसे बढ़कर है, ना मेरा दिल ना मेरा नफ्स बड़ा, ना मेरी ख्वाहिश बड़ी, ना कोई और सहारा बड़ा, सिर्फ बड़ी है तो वो अल्लाह की जात है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह, इस लफ्ज से नेकी का तकब्बुर टूट जाता है कि सबसे बड़ी जात अल्लाह की है। तो हम इन दिनों में जरूर तकबीरात पढ़ने वाले हों, कुरान की तिलावत करने वाले और उसको समझ कर पढ़ने वाले बने। कुरान की चाहे एक आयत लें, उसको समझें, उस पर अमल करें, उसको आगे पहुंचाएं ताकि कुरान का हक अदा हो। इसी तरह जिक्र और दुआ है,
जिक्र जबान की जकात है, रोजा जिस्म की जकात, कुर्बानी माल की जकात है। इसका एहतमाम करने वाले बने, फिर उसके बाद और बहुत सी नेकियां की जा सकती हैं। हम जरूर उसके ऊपर सोचने वाले हों, सदका फरात करने वाले हों, अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन मुस्तहिक है, कहाँ कहाँ अल्लाह का दीन मुंतजिर है। हर चीज के सरमाए की जरूरत होती है, अल्लाह के दीन को भी सरमाया चाहिए। तो लेकिन उसके लिए कितनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां आई हैं कि अपने आप को बचा लो, का खजूर का एक टुकड़ा ही देकर क्यों ना हो। तो ये बाबरकत दिन आ रहे हैं, हम इसमें खुद भी करने वाले हों और दूसरों को भी मोटिवेट करने वाले हों। फिर खिदमत खल्क है, लोगों के काम आना, अल्लाह के बंदों की मदद करना, कहाँ कहाँ मेरी मदद की जरूरत है, मैं किस जगह पर अपना हिस्सा डाल सकती हूँ, किसी की ताजियत कर ली, किसी की इयादत कर ली, कहीं किसी की बेबी सिटिंग कर ली, और कहीं पर भी जहाँ मैं मदद कर सकती हूँ किसी की मैं करूँ। इन बाबरकत महीनों में आमाल का जो अजर है वो भी बढ़ जाता है। तो हम जरूर इस तरफ सोचने वाले हों। फूड बैंक है, हम उसमें डोनेट करने वाले बने, और जहां जहां भी हम दे सकते हैं खुद भी दें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाएं। और सबसे बड़ी बात कि ये तमाम नमाजों का अहतमाम करना, नवाफिल का अहतमाम करना, नमाज में खुशू खुजू लाना, तो ये सारी इबादात जो है वो उसकी उनकी रूह को समझते हुए किया जाए कि इन इबादात का मकसद क्या है वो सोच कर की जाए। जब हम सोच कर शऊर के साथ इबादत करेंगे तो एक तो उसका उसके लज्जत भी बहुत आएगी और उसका अजर कई गुना बढ़ जाता है। हमारी जिंदगियां बदल सकती हैं, जिंदगियों में चेंज आ जाता है। इसी कुरान ने सहाबा की जिंदगियों को बदल दिया था। तो ये सारी इबादत तब कबूल होती हैं जब हम अपने दिल को साफ रखेंगे। दिल की सफाई सबसे पहले जरूरी है, जो नेक आमाल की कबूलियत का सबब बनती है। दिल साफ नहीं है तो रुकावट हो जाएगी नेक आमाल की कबूलियत में। कदफ लहम अंतजक्का, फलाह पा गया, कामयाब हो गया जिसने अपने दिल का तज़किया कर लिया, जिसने अपने आप को अपने आप का मुहासबा कर लिया। तो हम इन बाबरकत दिनों के आने से पहले ही अपने दिल को साफ कर लें, लोगों को माफ कर दें, माफी मांग लें, दिल से माफ करें और अल्लाह को राजी करने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बाबरकत दिनों की बरकत समेटने वाला बना दे और हमें हिम्मत ताकत अता फरमाए कि हम सही मानों में इन दिनों में इबादत कर सकें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।